वीडियो चल गई थी जेली। मोटिव नहीं है मैं किसी को हेट दूं या किसी को डिफेम करूं। मैं मेरा सबके साथ गॉड लाइक में बॉन्ड बहुत अच्छा है, चाहे वो क्रॉन आदित्य के लिए अच्छा लगा वे, वो बेचारा नया आया टीम में और क्वालीफाई भी कर गया। मेरा सबसे बहुत अच्छा एक नंबर, कुछ भी कुछ ग्रज व्रज नहीं है किसी के अगेंस्ट, बट दो चीजें हुई कुछ कुछ मुझे थोड़ी सी मतलब इफेक्ट करी थी। बेसिकली हुआ क्या था कि हम लोग का लाइक बीएमपीएस के बाद, लाइक बीएमपीएस में हम लोग क्वालिफाई नहीं हुए थे, तो ऑफकोर्स ग्राइंड तो चल रही थी और बीच बीच में टीम थोड़े से शफल हो रहा था। मैं कभी प्लेइंग फोर में था, कभी फिफ्थ बैठा हुआ था, तो ऑफकोर्स उस टाइम मैं थोड़ा सा मेंटली थोड़ा सा डीमोटिवेटेड हो गया था, बिकॉज ऑफकोर्स जो 3 साल से एक प्लेयर ऐसा टाइम नहीं देखा अपनी लाइफ में, वो ऐसा टाइम में आता है तो ऑफकोर्स वो मेंटली इतना फिट नहीं रहता। बट मैं अपना ग्राइंड थोड़ा चालू करता रहा और बीजे जब क्लोज आया तो मैं खेल ही रहता उस समय टीम में प्लेइंग फोर में। बट बीजे जब रजिस्ट्रेशन जब ख़त्म होने आया था 2-3 दिन पहले के बाद, ख़त्म होने के लिए कुछ 5 या 4 दिन ही बचे हुए थे, और उस टाइम मेरे को बोला जाता है कि मैं अच्छा नहीं खेल रहा हूँ तो मैं अपने लिए एक टीम ढूंढ, कोई दूसरी टीम ढूंढ सकता हूँ, तो मैं ऐसा फिफ्थ रह सकता हूँ। तो मुझे उस टाइम बहुत गुस्सा आया, गुस्सा मतलब ऑफकोर्स मतलब एकदम एंड पे मेरे को बोला गया था तो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो फिर उस टाइम मेरे लिए भाई नियो ने भी स्टैंड लिया था और निक्सन भाई ने भी स्टैंड लिया था, मेरे को अच्छे से याद है। और मैंने लिटरली घर पे कॉल किया मम्मी को और मैंने बोला मैं शायद से इस बार बीजेएस खेल नहीं पाऊंगा, बिकॉज मुझे पता था ऐसा कि अभी 5 दिन पहले कोई कौन ही टीम मुझे लेगी अपने प्लेइंग में। सही बात है, कोई टीम नहीं लेगी, सब टीम सेटल थी। फक हो गया इसके साथ तो। अभी बीच में वो हैकिंग वैकिंग प्राइम स्पोर्ट्स वगैरह का बहुत सारा सीन हुआ था ना, पता नहीं उसमें क्या हुआ, वो प्राइम वाले क्वालिफाई तो नहीं हुए इतना पता है मुझे। बेचारे के साथ गलत हुआ वे, तो उसकी किस्मत थी उसको टीम मिल गई वे, 8-bit किस्मत थी कि मिल गई, वरना मुझे नहीं लगता कि उसको मिलती टीम, उसका तो एंटी हो जाता।